मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के राज्यपाल महोदय और मुख्यमंत्रीगण, केंद्रीय कैबिनेट के मेरे साथी, राज्यों के मंत्रीगण, सांसद साथी, सभी विधायकगण, अन्य सभी जनप्रतिनिधि और इन सभी राज्यों के मेरे प्यारे भाई और बहनों, पूरे देश में विकसित राज्य से विकसित भारत, इसका एक राष्ट्रीय उत्सव तेज गति से जारी है। आज मुझे विकसित नॉर्थ ईस्ट के इस उत्सव में नॉर्थ ईस्ट के सभी राज्यों के साथ एक साथ हिस्सेदार बनने का अवसर मिला है। आप सभी इतनी भारी संख्या में यहां आए हैं, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा से भी हजारों संख्या में लोग टेक्नोलॉजी के माध्यम से इस कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विकसित नॉर्थ ईस्ट का संकल्प लेने के लिए मैं आप सभी का हृदय से बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। मैं अरुणाचल अनेकों बार आया हूं, लेकिन आज मिजाज कुछ अलग ही नजर आ रहा है। यानी जहां मेरी नजर पहुंच रही है, लोग ही लोग हैं और उनमें भी माताएं बहनों की संख्या अद्भुत अद्भुत वातावरण है। आज साथियों, नॉर्थ ईस्ट के विकास के लिए हमारा विजन अष्ट लक्ष्मी का रहा है। साउथ एशिया और ईस्ट एशिया के साथ भारत के ट्रेड, टूरिज्म और दूसरे रिश्तों की एक मजबूत कड़ी, यह हमारा नॉर्थ ईस्ट बनने जा रहा है। आज भी यहां एक साथ 55,000 करोड़ रुपए, 55,000 करोड़ रुपए से अधिक के प्रोजेक्ट्स, उसका लोकार्पण या शिलान्यास हुआ है। आज अरुणाचल प्रदेश के 35,000 गरीब परिवारों को अपने पक्के घर मिले हैं। अरुणाचल प्रदेश और त्रिपुरा के हजारों परिवारों को नल कनेक्शन मिले हैं। नॉर्थ ईस्ट के अलग अलग राज्यों में कनेक्टिविटी से जुड़े अनेक प्रोजेक्ट्स का शिलान्यास और लोकार्पण हो रहा है। बिजली, पानी, सड़क, रेल, स्कूल, अस्पताल, टूरिज्म, अनगिनत विकास के ये इंफ्रास्ट्रक्चर नॉर्थ ईस्ट के हर राज्य के विकसित बनने की गारंटी लेकर के आए हैं। नॉर्थ ईस्ट के विकास पर हमने जितना निवेश बीते 5 वर्ष में किया है,
यानी पहले जो कांग्रेस के या पुरानी सरकारें करती थी उससे करीब करीब चार गुना, फोर टाइम ज्यादा। इसका मतलब यह हुआ कि हमने जो काम पांच साल में किया, जितना धन पांच साल के लिए लगाया, इतना ही काम करने के लिए कांग्रेस को 20 साल लग जाते। क्या आप 20 साल इंतजार करते क्या? 20 साल इंतजार करते क्या? ये जल्दी होना चाहिए नहीं होना चाहिए? मोदी कर रहा है कि नहीं कर रहा है? आप खुश हैं साथियों? नॉर्थ ईस्ट को ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने विशेष तौर पर मिशन पाम ऑयल की शुरुआत की थी। आज इसी मिशन के तहत पहली ऑयल मिल का लोकार्पण हुआ है। ये मिशन भारत को खाद्य तेल के मामले में, एडिबल ऑयल इसके मामले में आत्मनिर्भर तो बनाएगा ही, यहां के किसानों की भी आय बढ़ेगी। और मैं आभारी हूं नॉर्थ ईस्ट के किसानों का कि पाम मिशन शुरू करने के बाद बहुत बड़ी मात्रा में हमारे किसान भाई बहन पाम की खेती में आगे आए हैं, जो एक बहुत बड़े उज्जवल भविष्य का काम होने वाला है। साथियों, मोदी की गारंटी तो सुनी रहे आप लोग, लेकिन मोदी की गारंटी का मतलब क्या होता है ये जरा अरुणाचल में आएंगे ना, इतने दूर सुदूर आपको साक्षात नजर आएगा। पूरा नॉर्थ ईस्ट देख रहा है कि मोदी की गारंटी कैसे काम कर रही है। अब देखिए, 2019 में यहीं से मैंने सेला टनल का शिलान्यास करने का काम किया था, याद है ना, 2019 में। और आज क्या हुआ, बन गया कि नहीं बन गया? बन गया कि नहीं बन गया? क्या इसको गारंटी कहते हैं कि नहीं कहते हैं? ये गारंटी पक्की गारंटी है कि नहीं है? देखिए, 2019 में ही डोनी पोलो एयरपोर्ट का भी शिलान्यास मैंने किया था। आज ये एयरपोर्ट शानदार सेवाएं दे रहा है कि नहीं दे रहा है? अब बताइए, अगर मैंने 2019 में किया ना, तो कुछ लोगों को लगता था कि मोदी तो चुनाव के लिए कर रहा है। बताइए, मैंने चुनाव के लिए किया था कि आपके लिए किया था? अरुणाचल के लिए किया था नहीं किया था? समय कोई भी हो, वर्ष कोई भी हो, महीना कोई भी हो, मेरा काम सिर्फ और सिर्फ देशवासियों के लिए होता है, जनता जनार्दन के लिए होता है, आपके लिए होता है। और मोदी की ऐसी गारंटी जब पूरी होती है तो नॉर्थ ईस्ट भी हर कोने से, मैं कह रहा है, यहां की पहाड़ियों से भी गुंज सुनाई दे रही है, यहां की नदियों के कलरवों में भी शब्द सुनाई दे रहे हैं, और एक ही आवाज आ रही है। और क्या पूरे देश में सुना? अब की बार 400 बार, अब की बार, अब की बार एनडीए सरकार 400 बार, एनडीए सरकार, एनडीए सरकार, अब की बार पूरी ताकत से बोलिए, पूरे नॉर्थ ईस्ट को सुनाई दे, अब की बार, अब की बार। साथियों, दो दिन पहले ही केंद्र सरकार ने नॉर्थ ईस्ट के औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए उन्नति योजना को एक नया रूप और उसको एक विशाल दायरे के साथ मंजूरी दी। आप उस एक छोटी फिल्म अभी देखी आपने, और हमारी सरकारी कार्यशैली देखिए,
एक ही दिन में नोटिफिकेशन जारी कर दिया, गाइडलाइंस बना दी और आज मैं आपके सामने आकर आप लोगों से उन्नति योजना का लाभ लेने का आह्वान कर रहा हूं। ये सब कुछ 40-45 घंटों में हो रहा है। 10 सालों में हमने यहां आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर को विस्तार दिया, लगभग 1 दर्जन शांति समझौते लागू किए, हमने अनेक सीमा विवाद सुलझाए। अब विकास का अगला कदम नॉर्थ ईस्ट में इंडस्ट्री के विस्तार करने का है। 10,000 करोड़ रुपए की उन्नति योजना, नॉर्थ ईस्ट में निवेश और नौकरियों की नई संभावना लेकर आएगी।